अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर दुआ जफर। आज की वीडियो है हमारी व्हाई आई चूज फिजियोथेरेपी, व्हाई आई चूज डीपीटी। जब मैं इस फील्ड में आई थी तब मार्केट में इसकी क्या वैल्यू थी और आज मार्केट में इसकी क्या वैल्यू है, ये सब बातें हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर टू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। चलते हैं वीडियो की तरफ। मैंने क्यों चूज किया डीपीटी को एज माई कैरियर, एज माई प्रोफेशन, क्यों मैं फिजियोथेरेपी में आई? सबसे पहली बात तो आज तो आप लोगों को फिर बहुत ज्यादा स्कोप ऑफ डीपीटी, हर बंदा वीडियो बना रहा है, आप लोगों को पता चल रहा है, अवेयरनेस मिल रही है। जब हम इस फील्ड में आए थे, जब मैं इस फील्ड में आई थी आज से कोई 5 साल पहले, कोई एक बंदा भी नहीं कह रहा था कि ये फील्ड अच्छी है। हर किसी ने यही कहा कि ये फील्ड नहीं अच्छी, इसका कुछ नहीं आगे होना, इसकी कोई जॉब नहीं है, इसका कोई स्कोप ही नहीं है। और लड़कियां तो भूल जाएं, वो तो देखे ही ना इसकी तरफ, सोचे ही ना, इसे कोसों दूर हट जाएं, लड़कियों के लिए तो ये फील्ड बहुत गंदी है। इस तरह की बातें सुनी है हमने और वो सुन के वो फेस करके सब कुछ यहाँ है। और ये हुआ है, एक्चुअली हर किसी के साथ हुआ है। फिजियोथेरेपी को मालिश करनी है, ये सो कॉल्ड हमारी सोसाइटी यही बोलती थी। अभी बहुत कम हो गया लेकिन स्टिल है, लेकिन तब इतना ज्यादा था कि उस चीजों से निकल के इस फील्ड में आना बहुत मुश्किल था एक्चुअली लड़कियों के लिए। बहुत सी लड़कियां जो आना चाहती थी शायद इसी वजह से नहीं आ पाई होंगी। बहुत ज्यादा गलत टर्म है मालशिया। अगर हम इसको अपनी फिजियोथेरेपी के टर्म में देखें तो इट्स अ सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन। हम मोबिलाइजेशन करते हैं, बड़े रिस्पेक्टफुल वे में करते हैं। और देखिए फिजियोथेरेपी में हम लोगों ने अपने पेशेंट को विदाउट एनी पिल, उसकी डिसेबिलिटी को, उसकी रिस्ट्रिक्शंस को, जो काम वो नहीं हो रहा, हम आराम से ट्रीट कर देते हैं। हम उसे कोई साइड इफेक्ट नहीं देते। हमारी फील्ड का बेस्ट पार्ट यही है कि हमसे सिर्फ पेशेंट को फायदा ही हो रहा है, हम उसे कोई साइड इफेक्ट नहीं दे रहे। हम उसे 500 mg, 1000 mg की मेडिसिन देके उसका स्टमक, उसकी किडनी खराब नहीं कर रहे। हम उसको एक इतना अच्छा ट्रीटमेंट प्लान देते हैं जिससे वो लाइफ लॉन्ग ठीक रह सकता है, अगर उसे फॉलो करता रहे घर में खुद ही। तो ये एक बहुत अच्छी फील्ड है, बहुत वास्ट फील्ड है, चीजों का तब नहीं पता था। अब मैं यही बात बताने लगी हूँ, जब मैं इस फील्ड में आई तो मेरे लिए जो मेरे जानने वालों ने चूज की थी वो थी अल्ट्रासोनोग्राफी। सब चाहते थे कि मैं अल्ट्रासोनोग्राफी में जाऊं। वो क्यों, वो भी सुनना बहुत जरूरी है। लड़की है, अल्ट्रासाउंड करेगी, घर में एक मशीन रख के बैठ जाएगी, बस काम चलता रहेगा, कमाती रहेगी। लेकिन आपने एक कमरे तक रह के तो नहीं सोचना होता। जब आप अपने विजन को ब्रॉड करेंगे आप तभी आगे जा सकते हैं। मुझे ये नहीं पसंद था, मैंने कहा मैंने नहीं जाना, मैं डीपीटी में आई। लेकिन डीपीटी में हमें आई थी यही सोच के कि डॉक्टर है, नाम के साथ डॉक्टर लग जाएगा, चलो ठीक है, पेशेंट्स को डिफरेंट तरीक़ों से ट्रीट करेंगे हम, ये सोच के मैं आ गई। अब मुझे नहीं पता था इस फील्ड में एक्चुअली है क्या क्या। लेकिन एक पॉइंट लाइफ में ज़रूर आता है जिसमें आपको पता चलता है आज आप जो कर रहे हो वो किस वजह से, कोई ना कोई वजह पीछे से ज़रूर होती जो अल्लाह ताला हमें बाद में दिखाता है कि अच्छा ये वजह थी। जब आपको एहसास होता है कि मैं कितनी सही जगह पे आ गई हूँ। मेरी लाइफ में भी ये पॉइंट आया। मेरी मामा को टांग में दर्द था। अब उनकी टांग का दर्द 10 साल से था, पिछले 10 साल से उनकी टांग में दर्द था, मतलब पीरियडिकली होता था, हो गया नहीं हुआ इस तरह से। तो 10 साल पहले उनके ना टांग में दर्द स्टार्ट हुआ, नीचे लोअर लेग में सिर्फ, जिसको पिंडली वाला पार्ट बोला जाता है, और उनसे बिल्कुल चला ही नहीं जाता था। उन्होंने गई है डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने इंजेक्शंस लगा दिए, जो हमारी सोसाइटी को आदत है स्टीरॉयड्स लगा देते हैं, नहीं बताते। हालांकि सबको पता है कि स्टीरॉयड के कितने ज़्यादा नुकसान है, लेकिन कोई नहीं बताता, सिर्फ अपना उन्होंने पैसा कमाना है, डैट्स इट। स्टीरॉयड्स लग गए, 1-2 साल ठीक रहा, फिर पेन शुरू, फिर मेडिसिन और वही एंटीबायोटिक्स खाती रही, ठीक हुआ फिर खराब, चलता रहा। दरमियान में कोई प्रॉपर उनको इंजेक्शंस लगे हैं, तो फिर कोई 3-4 साल निकले हैं। उसके बाद फिर एक वक्त आया कि उनकी टांग के दर्द बर्दाश्त से फिर बाहर हो गई। अब उस टाइम मेरा स्टार्ट था फिजियोथेरेपी में। मैंने सोचा कि यार ये चीज़ अगर मेडिसिन से नहीं ठीक हो रही तो ऑब्वियसली इसकी ट्रीटमेंट कोई और होगी। मुझे तो अब कुछ नहीं पता था, मेरी डिग्री का स्टार्ट था। मैंने अपने सर से
इस चीज को अब मम्मा के पूरे केस को डिस्कस किया सर के साथ, और सर ने यकीन करें सिर्फ और सिर्फ मुझे एक चीज बताई। उन्होंने बोला आप उनकी टांग पे जाके आइसिंग करें और उनको सिर्फ एक स्ट्रेच देना है, सिर्फ एक स्ट्रेच, और वो कंटिन्यूसली आपने करना है एक वीक के लिए। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, सिर्फ मैंने वो 3 से 4 दिन किया और उनकी टांग की दर्द बिल्कुल चली गई है। उनको सिर्फ और सिर्फ सर्कुलेशन की प्रॉब्लम हो रही थी, उनकी टांगों में ब्लड सर्कुलेट नहीं कर पा रहा था, वो ब्लड क्लॉट्स बन रहे थे और उसकी वजह से थोड़ी स्वेलिंग्स भी थी। वो इन्फ्लेमेशन थी, जो सारी स्वेलिंग थी वो आइसिंग से ठीक हुई, जो स्ट्रेचेस दिए उससे उनकी सारी सर्कुलेशन ठीक हुई, और इस एक छोटी सी 3 से 4 मिनट लगते हैं दिन में, इस ट्रीटमेंट से उनका 10 साल का मसला हल हो गया। देन आई रियलाइज यार ये तो बहुत अच्छी फील्ड है, कितने आराम से इतने लोगों को जो इतनी तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ रही है उस तकलीफ की वजह से, जो इतने इतने इंजेक्शन, जो इतने इतने पैसे लग रहे हैं, वो डॉक्टर सिर्फ अपनी फीस उसकी अलग होती है, दवाइयों के अलग होते हैं, इंजेक्शंस के अलग होते हैं, टेस्ट अलग वो लिख के दे देते हैं, गरीब इंसान कहाँ से करवाएगा वो। तो ये तब मुझे हिट की ये चीज़ कि फिजियोथेरेपी बहुत अच्छी फील्ड है, बहुत अच्छा स्कोप है। अभी भी हमारे वालदैन को, हमारी यूथ में को भी नहीं पता, अगर उनको ये मसला आ रहा है तो उसके लिए यार मत लो, खुदा का वास्ता है मत खाओ एंटीबायोटिक्स, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। आप लोग कोई अदर एक्टिविटी, कोई अदर ट्रीटमेंट के बारे में जाओ मत करो ये। तो ये एक छोटी सी मोटिवेशनल वीडियो कह लें आप इसको, फिजियोथेरेपी को लेकर, जो कि जिसने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया था अपनी फील्ड को लेकर, फिर मैंने अपनी फील्ड के ऊपर स्ट्रगल करना, इस पे काम स्टार्ट किया। जब मुझे जब आपको रियलाइज होता है ना, यही है, यही करना है मैंने, मेरा स्टार्ट था, मेरा सेकेंड सेमेस्टर था, और मैं सोच रही थी कि क्या मैं शिफ्ट कर लूँ अल्ट्रासोनोग्राफी पे या नहीं, तभी ये सारा इंसिडेंट हुआ। तब मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छी जगह मैं आई हूँ, अल्लाह ताला मुझे लेके आए हैं, तो अब मैं इसी में ऐसी कामयाब होंगी इंशाल्लाह। आपने सिर्फ अपने प्रोफेशन के साथ सिंसियर रहना है, सिर्फ स्कोप और ये सब कुछ आप खुद सेट करते हो अपने लिए। अगर आप पैशनेट हो अपने काम को लेके, तो आपको कोई चीज़ नहीं रोक सकती। ये बात मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, अगर आप इतनी मेहनत करोगे, आपके हाथ इतने साफ हो जाएंगे फिजियोथेरेपी में, तो आपके पास ही पेशेंट आएगा, किसी ऐरे गहरे फिजियोथेरेपिस्ट के पास नहीं जाएगा। किसी ना किसी तरह पता चल ही जाता है कि बेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट कौन है। आपने सिर्फ अपने नॉलेज पे, अपने स्किल्स पे ग्रिप डालनी है, स्कोप आपका खुद बनेगा, खुद ब खुद आपके रास्ते खुलेंगे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को, जिनको कन्फ्यूजन्स होगी वो क्लियर हुई होंगी। एक लास्ट बात, ये जो गर्ल्स के लिए कहते हैं नहीं ठीक नहीं ठीक, खुदा का वास्ता बंद कर दो ये सारी चीज़ें। लड़कियाँ ज़्यादा कमा रही हैं इस फील्ड में, ज़्यादा अच्छा नॉलेज है, ज़्यादा अच्छा ट्रीट कर रही हैं, हर तरह की ट्रीटमेंट्स दे रही हैं, और ये कोई ऐसी फील्ड नहीं है जिसमें लड़कियाँ नहीं जा सकती। आप लोगों ने ज़रूर इससे कुछ सीखा होगा, उम्मीद करती हूँ। अगर आपने कुछ भी सीखा हो, आपको कुछ एक बात भी पसंद आई हो, तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।